आइए अब नजर डाल लेते हैं एसीएन के सुपर फास्ट बुलेटिन की ओर। बिना रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग की मौत, ठंड से हुई बुजुर्ग की मौत, नर्मदा परिक्रमा पर निकले थे बुजुर्ग, जीआरपी ने मामले की जांच शुरू की। बिना में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट, महिला का रास्ता रोक कर की अभद्रता, महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश पर। इंदौर पुलिस का बाल मित्र अभियान, पुलिस के अभियान का दिख रहा असर, अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस की पहल, बच्चों को पुलिस की कार्य प्रणाली समझाई गई। इंदौर में नाइट कर्फ्यू का पहला दिन, चप्पे चप्पे पर पुलिस हुई तैनात, शहर में दिखा नाइट कर्फ्यू का असर, पुलिस ने सख्ती के साथ 11 बजे बाजार बंद करवाए। इंदौर रात को हुड़दंग, दूसरे दिन जेल में बंद, नए साल के जश्न को लेकर पुलिस की तैयारी, शराबियों पर रखी जाएगी नजर, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी शहर पर नजर। इंदौर में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, फर्जी रजिस्ट्री बनवाकर किया बैंक से लोन, बैंक से 32 लाख रुपए का लिया लोन, राजेंद्र नगर पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक साथ 3 दुकानों में चोरी की वारदात, लाखों के माल में किया हादसा, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना। कृषि विभाग में की छापामार कार्यवाही, बिना लाइसेंस बड़ी मात्रा में केमिकल पाउडर का मिला भंडार, मैसर्स माधव सेल्स कॉरपोरेशन पर मामला दर्ज, लसूड़िया पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिना रेलवे फाटक पर हो रहा निर्माण, बिना सुरक्षा उपकरण के हो रहा है काम, निर्माण में कंपनी की बड़ी लापरवाही, जिम्मेदार बने तमाशबिन। इंदौर पुलिस का मानवीय चेहरा, वृद्ध दंपति को मिलवाया परिवार से, काउंसलिंग कर परिवार को दी समझाइश, खजराना थाना क्षेत्र की घटना। हाथों दो मुख्यमंत्री की घोषणा, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का प्रयास, रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा, कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश। इंदौर में बिना अनुमति के कॉलोनी काटी, पुलिस ने दंपति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, कॉलोनी के लिए नगर निगम से अनुमति नहीं ली, फिलहाल आरोपी दंपति फरार। खरगोन मैटरनिटी वार्ड से चोरी हुआ नवजात शिशु, जिला अस्पताल में मचा हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्ध महिला, परिजनों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। इंदौर खेल खेल में चली गोली से युवक की मौत, पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, प्रदेशीपुरा पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुना पुलिस राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई, अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्रवाई, रेत से भरे 45 लाख के ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। खोरई में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, नेशनल हाईवे 26 से अवैध अतिक्रमण हटाए, 40 मीटर की सड़क बनेगी, लोगों ने खुद हटाए अपने अवैध अतिक्रमण। उज्जैन प्रशासन ने लिया निर्णय, भस्म आरती में शामिल नहीं हो सकेंगे श्रद्धालु, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया फैसला, सुबह 6 से रात 9 बजे तक होंगे दर्शन। उमरिया जनपद सीईओ ने लगाया आरोप, तत्कालीन सीईओ दीक्षा चैन पर लगाया आरोप, अध्यक्ष पद की सील बनाकर फर्जीवाड़ा किया, शिकायत के बाद कार्रवाई की मांग की। ग्वालियर दो पक्षों में विवाद, सरकारी जमीन को लेकर हुआ विवाद, एक युवक घायल, पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण। इंदौर कांग्रेसियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, ओबीसी आरक्षण पर सियासत जारी, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर की मांग, कानूनी पहलुओं पर विचार करने की मांग। गवाह को धमकाने का मामला, जेल से छूटने के बाद दी थी धमकी, पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, चंद्रनगर थाना क्षेत्र का मामला। खाशुद में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें, शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों में चोरी, दुकानदारों ने एसपी और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उदयपुरा फसलों पर पड़ी पाले की मार, पान की फसल हुई खराब, किसानों ने की मुआवजे की मांग, 35 परिवार पान की खेती पर है निर्भर। खुरई में नगर पालिका की कार्रवाई, अमानक स्तर की पॉलीथिन बेचने वालों पर शिकंजा, 50 किलो पॉलीथिन जब्त की, व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया। कलेक्टर ने की रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर से बदतमीजी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पट्टों की समस्या लेकर पहुंचे तो रिटायर्ड अधिकारी, दोनों में जमकर हुई बहस। भोपाल विधायक आरिफ मसूद की एशियन भारत से चर्चा, कमला नेहरू अस्पताल में हुए अग्निकांड पर सरकार को घेरा, विधानसभा में उठाया था मुद्दा, मौत के आंकड़ों पर भी है कई सवाल। भोपाल नरोत्तम मिश्रा की एशियन भारत से चर्चा, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, इतना आक्रमण्य विपक्ष पहले कभी नहीं दिखा, कांग्रेस चर्चा से भागने का काम कर रही। भोपाल कांग्रेस विधायक अजय टंडन की एशियन भारत से चर्चा, सरकार पर लगाया आरोप, सरकार ने की लोकतंत्र की हत्या, जनहित के मुद्दों पर नहीं कराई चर्चा। भोपाल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह की एशियन भारत से चर्चा, कांग्रेस के आरोप का दिया जवाब, किसानों को मिल रही पर्याप्त बिजली, कांग्रेस निराधार आरोप लगा रही। नरसिंहपुर कायाकल्प की टीम पहुंची जिला अस्पताल, फाइनल राउंड के तहत किया निरीक्षण, प्रथम आने पर मिलेगी 50 लाख रुपए की राशि, भोपाल से जारी होंगे परिणाम। खुरई नुक्कड़ नाटक आयोजित, स्वच्छता का दिया संदेश, 2 डस्टबिन के उपयोग की दी सलाह, गीला सूखा कचरा अलग अलग करने की अपील। टिकमगढ़ मध्य प्रदेश पुलिस की अजीब कहानी, पुलिस के रिकॉर्ड में फरार विधायक की पत्नी, फरार महिला सोशल मीडिया में एक्टिव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तस्वीर में नजर आई, लक्ष्मीगिरी पर दर्ज है धोखाधड़ी का प्रकरण, तस्वीर वायरल होने के बाद मचा बवाल, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार।
हटा ऑनलाइन ठगी का प्रयास, असफल आर्मी अधिकारी बनकर किया था ठगी का प्रयास, ऑर्डर पूरा होने से पूर्व की बिल की मांग, होटल संचालक को दिया था ऑर्डर। बालाघाट में नाम वापसी का अंतिम, 9 प्रत्याशियों ने वापस लिए नाम, 65 प्रत्याशी मैदान में चुनाव चिन्ह किए गए आवंटित। भोपाल नगरीय प्रशासन मंत्री ने केसीएन भारत से खास चर्चा, कहा ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी, विशेषज्ञों से कर रहे रायशुमारी, कांग्रेस सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है। विदिशा राज्यपाल को घर बुलाना पड़ा महंगा, अब हो रही आदिवासी से वसूली, राज्यपाल के लिए जुताई थी गई सुविधा की वसूली, आदिवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा। जलसीपुर कांग्रेस नेता पर भाजपा के आरोप, नगर परिषद में फर्जी शपथ पत्र देने का आरोप, पंजीयन निरस्त करने की मांग की है, नगर परिषद का घेराव किया गया है। हंदौर बदमाशों ने किया युवक पर हमला, नशा कराने का किया विरोध, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार, बाड़गंगा थाना क्षेत्र का मामला। सिरमौर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव, मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक, 103 गांव में चलाया अभियान, मतदान का बताया महत्व। भोपाल पूर्व वित्त मंत्री की एशियन भारत से चर्चा, भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप, सरकार ने उलझाया पंचायत चुनाव का मामला, कांग्रेस पर हर मंच पर चर्चा के लिए तैयार है। भोपाल विधायक सुरेश राजे की एशियन भारत से चर्चा, आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, विधानसभा में उठाता आदिवासियों का मुद्दा, सरकार का आदिवासी चेहरा उजागर। ग्वालियर 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का समापन, केंद्रीय कृषि मंत्री बीजेपी सांसद रहे मौजूद, केंद्रीय मंत्री सिंधिया की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय, सिंधिया की अनुपस्थिति पर कांग्रेस ने ली चुटकी। भोपाल पीसी शर्मा ने एशियन भारत से की खास चर्चा, शर्मा ने लगाया सरकार पर आरोप, जवाबदेही से बचने का लगाया आरोप, सरकार जनता के सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। अशोकनगर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की उठी मांग, ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन, 51% आरक्षण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन, प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। धार भाजपा कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद, पंच सरपंच के फॉर्म को लेकर हुआ विवाद, जनपद पंचायत परिसर में चले लात घूसे, कांग्रेस नेता ने दर्ज करवाई शिकायत। भोपाल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, चुनाव से कोरोना के फैसले का डर, पंचायत चुनाव टाले जाना चाहिए, चुनाव किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं, ओबीसी आरक्षण के बगैर सरकार नहीं चाहती चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली हियरिंग से कर दिया इनकार। खरगोन 8 वर्षीय बालक ने पिया कीटनाशक, माता पिता की पिटाई से डर से की आत्महत्या, पुलिस ने किया मर्ग कायम, शव को किया परिजनों के सुप्रत। छिंदवाड़ा हम फाउंडेशन द्वारा कार्य जारी, बच्चों को वितरित की शिक्षण सामग्री, ठंड से बचने के लिए कपड़े भी किए भेंट, स्वच्छता के लिए किया प्रेरित। इंदौर रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 11 बजे के बाद सभी आयोजनों पर लगे की रोक, नाइट कर्फ्यू का सख्ती से कराया जाएगा पालन। फिलहाल सुपरफास्ट बुलेटिन में इतना ही, खबरों के लिए देखते रहिए आप एशियन भारत।